नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से निर्माण आईएएस आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर्स पर आधारित एमसीक्यूज की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर पर आधारित हमारे क्वेश्चंस और उनके आंसर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे डी ट्रैक का संबंध निम्नलिखित किससे है? विकल्प ए है, इसराइल के एक एनएसओ ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किया गया स्पाईवेयर। विकल्प बी है, उत्तरी कोरियन वायरस जिसने भारत के नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया है। विकल्प सी है, इसरो की परियोजना जो अंतरिक्ष कचरे पर निगरानी रखेगी। और विकल्प डी है, नासा का मिशन जो सुपर अर्थ की खोज के लिए भेजा गया है। तो आइए अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, अर्थात डी ट्रैक उत्तरी कोरियन वायरस है, एक उत्तरी कोरियन वायरस है जिसने भारत के नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का संदर्भ क्या था। इस प्रश्न का संदर्भ था आज के हमारे द हिंदू में प्रकाशित एक लेख, जिसमें यह बताया गया कि भारत के तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र परियोजना में एक डी ट्रैक वायरस ने हमला किया है, और यह वायरस उत्तरी कोरियन वायरस है। और आइए अब देखते हैं कि जो बाकी विकल्प है वो क्यों सही नहीं है। पहला विकल्प है जो हमारा इसराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किया गया स्पाईवेयर। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो इसराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा पिगासस वायरस का इस्तेमाल किया गया था, वहीं इसरो की जो परियोजना जो अंतरिक्ष कचरे पर निगरानी रखेगी उस परियोजना का नाम है नेत्र। वहीं विकल्प डी में नासा के मिशन जो सुपर अर्थ की खोज के लिए भेजा जा रहा है उसका नाम है टेस, जिसको बोलते हैं द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। आइए अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जिसे RCEP के भी कहा जाता है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, यह 16 एशियाई देशों का एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। कथन दूसरा है, हाल ही में भारत ने स्वयं को इस समझौते से बाहर कर लिया है। और हमारे विकल्प है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प दो केवल बी, विकल्प सी एक वे दो दोनों, और विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल दो। आपके लिए हमने दिखाया है कि यह हमने प्रश्न क्यों बनाया। आज के द हिंदू में ही प्रकाशित एक लेख था, जिसमें RCEP और भारत उससे बाहर क्यों निकला उसके विषय में चर्चा की गई थी, और उसी पे आधारित हमने प्रश्न बनाया। आइए देखते हैं कि हमारा विकल्प एक गलत क्यों है। विकल्प एक में कहा गया है कि यह 16 एशियाई देशों का एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। यह तो सही था कि यह 16 देशों का एक समझौता है, लेकिन वो 16 के 16 देश एशियाई देश नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं RCEP में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो कंट्री भी शामिल है जो कि एशियाई देश नहीं है। आइए अब देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, फेनी नदी जो समाचारों में चर्चा में रही के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। दूसरा विकल्प, फेनी नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। आइए अब इस पर आधारित हमारा प्रश्न देखो क्या है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहां ध्यान देने की बात है। हमने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें विकल्प ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक वे दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त में से न तो विकल्प ए सही है ना ही विकल्प दो सही है। आज का हमने यह प्रश्न हमारे PIB में प्रकाशित एक खबर थी, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर एक समझौते की बात चल रही है। अगर देखें तो फेनी नदी, ये भारत और बांग्लादेश का नक्शा है, जिसमें ये रेड बाउंड्री, ये भारत की बाउंड्री दिखाई गई है, और इसके नीचे वाली बाउंड्री ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, और ये ब्लू कलर में हमने फेनी नदी दिखाई है। तो फेनी नदी का जो उद्गम स्रोत है भारत है, ये त्रिपुरा के दक्षिणी भाग से उत्पन्न होती है, और वहाँ से उत्पन्न होकर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है। आइए अब देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विकल्प ए है विशाखापत्तनम, बी है चेन्नई,
सी है कोलकाता और डी है पणजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। और आज का यह प्रश्न पीआईबी में प्रकाशित एक खबर पर आधारित था जिसमें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, यह खबर थी और उसी पर आधारित हमारा यह प्रश्न भी था। आइए अब देखते हैं आज का हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है आज़ादी मार्च। आज़ादी मार्च जो समाचारों में अत्यधिक चर्चा में बना हुआ है का संबंध निम्नलिखित किस देश से है? हमारा विकल्प है ए अफगानिस्तान, विकल्प बी हांगकांग, विकल्प सी पाकिस्तान और विकल्प डी है बांग्लादेश। इस आज़ादी मार्च का संबंध पाकिस्तान से है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। जैसा कि आज के द हिंदू में एक खबर आई थी मौलानाज मार्च, अर्थात पाकिस्तान में पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी जिसके नेतृत्व इमरान खान कर रहे हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान की एक अन्य पार्टी ने एक आज़ादी मार्च का आयोजन किया है जिसमें पाकिस्तानी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान में बेरोजगारी गरीबी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और उसी को लेकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ये मार्च का आयोजन किया जा रहा है जिसका नेतृत्व मौलाना फजल उल रहमान के द्वारा किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं आज का हमारा छठा प्रश्न क्या है। आज का हमारा छठा प्रश्न है कैनाबिस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तराखंड भारत का प्रथम राज्य है जहां कैनाबिस की खेती को वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। दूसरा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कैनाबिस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। उपरोक्त प्रश्न के हमारे विकल्प है विकल्प ए केवल एक, विकल्प दो बी केवल दो, विकल्प सी एक वे दो दोनों और विकल्प डी है ना तो एक और ना ही दो। तो आइए अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विकल्प ए और दो दोनों सही है, अर्थात उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां कैनाबिस की खेती को वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुमति दी गई है और साथ ही साथ यह है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत इसके उपयोग पर प्रतिबंध भी लगा है। और इस हमारे प्रश्न का आधार है लाइव मिंट में प्रकाशित एक लेख जिसमें कैनबिस की खेती के बारे में चर्चा की गई है। आइए अब देखते हैं आज का हमारा सातवां प्रश्न क्या है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था विगत दो तिमाहियों में निम्नलिखित किन क्षेत्रों में नकारात्मक समृद्धि दर दर्ज हुई है। ध्यान से पढ़िए कि हमने प्रश्न पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत दो तिमाहियों में निम्नलिखित किन क्षेत्रों में नकारात्मक समृद्धि दर दर्ज हुई है, जिसमें पहला है घरेलू दुपहिया वाहन व ट्रैक्टर्स की बिक्री में, दूसरा बैंक खुदरा ऋणों में, तीसरा सकल निर्यात में, चौथा गैर तेल गैर स्वर्ण और गैर चांदी के आयात में। आइए अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कथन एक, कथन तीन और कथन चार, ये तीन सही है और कथन दो हमारा गलत है। और आज के इस प्रश्न का हमारा आधार है लाइव मिंट में प्रकाशित एक ये आंकड़ा जिसमें दिखाया गया है कि गत 6 माह में भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में सकारात्मक समृद्धि दर दर्ज हुई है और किन क्षेत्रों में नकारात्मक समृद्धि दर दर्ज हुई है। आइए अब देखते हैं हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने कालापानी क्षेत्र को भारत के नए आधिकारिक नक्शे में शामिल करने का विरोध किया है? इसका विकल्प ए है नेपाल, विकल्प बी भूटान, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कालापानी क्षेत्र को भारतीय नक्शे में शामिल करने का विरोध नेपाल द्वारा किया गया है। जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस खबर में भी इसी प्रश्न के बारे में चर्चा की गई है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि हाल ही में भारत ने अपना जो नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है उसमें कालापानी ये उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, जैसा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में दर्शाया गया है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था। आइए अब देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न क्या है। समाचारों में चर्चा में रहने वाली प्रगति पहल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह शासन में ई पारदर्शिता और ई जवाबदेहिता को लाने की एक पहल है। दूसरा, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। और तीसरा, यह प्लेटफॉर्म तीन तकनीकों डिजिटल डाटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं जियो स्पेशल, जिसे भूस्थानिक भी कहा जाता है, तकनीक पर प्रयोग करती है। और इस प्रश्न के हमारे विकल्प है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल तीन, विकल्प सी एक व तीन और विकल्प डी है एक दो व तीन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हम देखते हैं कि इसका विकल्प डी अर्थात कथन एक
दो और तीन, तीनों ही सही है। और ये खबर हमारे आज के द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर पर आधारित है जिसमें प्रगति इनिशिएटिव के बारे में बात की गई है। प्रगति इनिशिएटिव के बारे में आपको कुछ और बता देते हैं कि यह प्रगति इनिशिएटिव जो भारत सरकार की केंद्र सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस है उसकी एक ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और उसकी निगरानी करते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच करतारपुर कॉरिडोर चर्चा का विषय बना हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर जो पिछले काफ़ी समय से अखबारों में बना हुआ है, इसका विकल्प ए है भारत पाकिस्तान, विकल्प बी है भारत अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, विकल्प सी है भारत नेपाल और विकल्प डी है भारत बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब, पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब के डेरा नानक साहब, डेरा बाबा नानक से जोड़ने वाला एक जो कॉरिडोर है जो सिख धर्म की आस्थाओं के दोनों केंद्र सिख धर्म की आस्थाओं के केंद्र है और इनको जोड़ने के लिए ही करतारपुर कॉरिडोर की बात की गई है। और आज के हमारे द इंडियन एक्सप्रेस में भी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जिक्र किया गया था जिस पर आधारित हमने ये प्रश्न बनाया। उम्मीद करते हैं कि निर्माण IAS की यह नवीन पहल आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को निर्माण IAS का यह नया कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इस निर्माण IAS के YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ अगर हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित आपके कोई नवीन सुझाव है और नवाचारी सुझाव है तो हम उनका स्वागत करेंगे और आशा करते हैं कि उनको आपकी बेहतरी के लिए हम और आगे और अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।